हेलो गाइस, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाई हूँ चिकन करी, बिल्कुल ऑयल फ्री चिकन करी है ये। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, कैसे बनाई हूँ आप लोग को पता चल जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना है, हेल्दी है। देखिए ये 500 ग्राम चिकन है, इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो और फिर इसका साथ मैं ले रही हूँ दो आलू। आलू को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़े में काट कर लिया है, देखिए। और ये चिकन करी बहुत ही हेल्दी बनेगी, आप लोग ज़रूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए एक कढ़ाई बिठाई थी, कढ़ाई गर्म हो चुका था, तो इसमें मैं चिकन और आलू को डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी। बिल्कुल ऑयल दिया नहीं है इसमें मैंने, ऐसे बिना ऑयल में ही मैं इसे चला रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, नमक और काली मिर्च थोड़ी। हल्दी नमक स्वाद अनुसार दी हूँ और इसे भी अब मैं मिक्स करूँगी चला के। और अब इसमें मैंने डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 3 हरा मिर्चा, और अब डालूंगी प्याज 1, उसे मैंने छोटे छोटे काट लिया है प्याज को। और ये सारे चीज़ को फिर मैं अच्छे से मिला लूंगी चला के। और 2 टमाटर मैंने इसमें काट के डाल दिया है, मीडियम साइज़ का टमाटर है 2 ये। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। और अब डालूंगी इसमें मैं हरे प्याज के पत्ते। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बिना पानी डाले ही। इसे मैं 15 मिनट इसी तरीके से पकाऊंगी मैं पहले। और अब डाल रही हूँ इसमें 2-3 इलायची, लौंग और दालचीनी का 2-3 छोटे छोटे टुकड़े, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी इसी में।
देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे से बिना ऑयल में ही इसे मैंने भून लिया है। 15 मिनट हो चुका है भुना वाला। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पूरा 15 मिनट हो चुका है ये भुना वाला। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 3 कप। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है 3 कप, पूरे 3 कप है, और गर्म पानी ऐड किया है मैंने इसमें। और अब इसे मैं ढक के पकने देती हूँ अच्छे से। और ढक के मैं इसे पकाऊंगी 10 मिनट, उसके बाद फिर चेक करूंगी एक बार। और अब मैं 4-5 मिनट और पकाऊंगी इसे ढक के। देखिए 4 मिनट हो चुका है। देखिए अभी ये अच्छे से पक चुका है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये। देखिए सारे चिकन और आलू अच्छे से पक चुका है ये। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी हरा धनिया। देखिए कितना बढ़िया बना है करी। और अब डाल रही हूँ हरा धनिया। और अब बन के ये रेडी है। आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोग को ऑयल फ्री चिकन करी ये, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये रेसिपी। ये अभी पक चुका है, बन गया है ये, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कैसा बना आप लोग को, कैसा लगा ये रेसिपी। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फेसबुक पेज में कोई देख रहा है तो पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। फिर आगे आगे अच्छे अच्छे नए नए रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।